हेलो दोस्तों, मेरा नाम है विनय और आप लोग देख रहे हो विनय टेक। तो मैं आज आप लोगों को बताने जा रहा हूँ पंजाब नेशनल बैंक का फिक्स डिपॉजिट रेट के बारे में फॉर द मंथ ऑफ जुलाई 2022। तो रिसेंटली पंजाब नेशनल बैंक ने अपना फिक्स डिपॉजिट इंटरेस्ट रेट जो है वो चेंज कर दिया है। तो क्या है नया इंटरेस्ट रेट और क्या इंटरेस्ट रेट प्रोवाइड कर रहा है करंटली PNB अपने कस्टमर को, तो वीडियो पूरा लास्ट तक देखिएगा, मैं आप लोगों को फुल डिटेल में बताने जा रहा हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग आ चुके हैं PNB का ऑफिशियल वेबसाइट में। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो बहुत सारा टैब मिल जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे एक टैब होगा प्रोडक्ट करके, तो उसके ऊपर आप लोग को क्लिक करना है और इधर आप लोग देख सकते हो पर्सनल, कॉर्पोरेट, इंटरनेशनल और कैपिटल, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग को पर्सनल सेक्शन पे आ जाना है और इधर आप लोग को देखने को मिलेगा डिपॉजिट करके, ठीक है, एक ऑप्शन होगा, उसके ऊपर आप लोग को क्लिक करना है। और फिर इधर आप लोग देख सकते हो हम लोग आ चुके हैं PNB का डिपॉजिट वेब पेज में। यहाँ पे आप लोग को राइट हैंड साइड में आ जाना है और इधर आप लोग देख सकते हो इंटरेस्ट रेट डिपॉजिट और सेविंग करंट फिक्स डिपॉजिट और कैपिटल गेन, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग को इंटरेस्ट रेट डिपॉजिट के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो इंटरेस्ट रेट डिपॉजिट डोमेस्टिक एंड NRI सेविंग अकाउंट इंटरेस्ट रेट विथ इफेक्टिव फ्रॉम 4 अप्रैल 2022 से ये इफेक्टिव है। अगर आप लोग बिलो 10 लाख तक रखते हो तो यहाँ पे 2.70% इंटरेस्ट मिलेगा। सेविंग फंड अकाउंट बैलेंस ऑफ ₹10 लाख एंड अबव 2.75% यहाँ पे इंटरेस्ट मिलने वाला है। तो ये था सेविंग अकाउंट इंटरेस्ट रेट के बारे में। तो मैं अभी आप लोग को बताने जा रहा हूँ रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन सिंगल डिपॉजिट NRO NRE टर्म डिपॉजिट अप टू 10 करोड़, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो लेस देन 2 करोड़ विथ इफेक्टिव फ्रॉम 4 जुलाई 2022 से इफेक्टिव है। उसी तरह 2 करोड़ टू 10 करोड़ NRE TD लेस देन 2 करोड़ NRE TD 2 करोड़ टू 10 करोड़ और PNB टैक्स सेवर FD, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आप लोग को लेस देन 2 करोड़ के बारे में बताऊंगा और PNB टैक्स सेवर का FD के बारे में बताऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो नॉर्मल सिटीजन का इंटरेस्ट रेट और सीनियर सिटीजन का इंटरेस्ट रेट, ठीक है। 7 से 14 डेज 3%, सीनियर सिटीजन का 3.50, 15 से 29 डेज 3% फॉर नॉर्मल सिटीजन और सीनियर सिटीजन को 3.50, 30 to 45 डेज नॉर्मल सिटीजन को 3% और सीनियर सिटीजन को 3.50, 46 से 90 डेज 3.25 फॉर नॉर्मल सिटीजन और सीनियर सिटीजन को 3.75, 91 से 179 डेज नॉर्मल सिटीजन को 4% और सीनियर सिटीजन को 4.50, 180 to 270 डेज नॉर्मल सिटीजन को 4.50 और सीनियर सिटीजन को 5%, 271 डेज टू लेस देन 1 ईयर नॉर्मल सिटीजन को 4.5% और सीनियर सिटीजन को 5%, 1 ईयर का जो है 5.3% फॉर नॉर्मल सिटीजन और सीनियर सिटीजन को 5.80, एबव 1 ईयर एंड अप टू 2 ईयर नॉर्मल सिटीजन को 5.30 और सीनियर सिटीजन को 5.80, एबव 2 ईयर एंड अप टू 3 ईयर नॉर्मल सिटीजन को 5.50 और सीनियर सिटीजन को 6%, एबव 3 ईयर एंड अप टू 5 ईयर 5.50 फॉर नॉर्मल सिटीजन और सीनियर सिटीजन को 6%, एबव 5 ईयर एंड अप टू 10 ईयर नॉर्मल सिटीजन को 5.60 और सीनियर सिटीजन को 6.10 और 1111 डेज के लिए जो है नॉर्मल सिटीजन को 5.50 और सीनियर सिटीजन को 6%, ठीक है। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो फॉर PNB टैक्स सेवर स्कीम, अगर आप लोग इन्वेस्ट करते हो तो पब्लिक के लिए जो है जनरल पब्लिक 5.50 फॉर 5 ईयर्स और 5.60 फॉर एबव 5 ईयर टू 10 ईयर, ठीक है। और सीनियर सिटीजन जनरल जो है 6% फॉर 5 ईयर और 6.10 फॉर एबव 5 ईयर टू 10 ईयर और स्टाफ मेंबर के लिए 6.50 फॉर 5 ईयर्स और 6.60 फॉर एबव 5 ईयर टू 10 ईयर, ठीक है। और रिटायर्ड स्टाफ के लिए सीनियर सिटीजन का जो है 6.50 और फॉर 5 ईयर्स और 6.60 फॉर एबव 5 ईयर टू 10 ईयर, ठीक है। और ध्यान रखना है अगर आप लोग PNB टैक्स सेवर स्कीम में अकाउंट ओपन करते हो तो वो 5 साल के लिए फिक्स हो जाता है, उसमें टैक्स बचता है, लेकिन इमरजेंसी के वक्त वो फंड आप लोग निकाल नहीं सकते हो, ये बात ध्यान रखना है। तो इसलिए बिफोर डूइंग टैक्स सेवर FD आप लोग के पास सफिशेंट फंड होना चाहिए सो दैट इमरजेंसी के वक्त आप लोग ये फंड को ना निकालो। अगर निकालना चाहते हो तो देन ये फंड में आप लोग इन्वेस्ट मत कीजिएगा, ठीक है। उससे अच्छा आप लोग नॉर्मल जो 5 साल का FD जो है वो भी अच्छा रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे प्रोवाइड हो रहा है। आप लोग देख सकते हो 5.6% फॉर नॉर्मल सिटीजन और सीनियर सिटीजन के लिए 6.10, ठीक है। तो ये था PNB का इंटरेस्ट रेट के बारे में जो कि 4 जुलाई 2022 से इफेक्टिव है। तो अगर आपके लिए ये वीडियो यूजफुल रहा प्लीज टू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल विनय टेक। थैंक यू।